वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ का दिल जीतने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टील प्लांट की नई यूनिट देश को समर्पित की। आईआईटी भिलाई का शिलान्यास किया। उड़ान योजना पर हरी झंडी दिखाई और कहा कि सिर्फ विकास ही है नक्सलवाद का हल। रायपुर एयरपोर्ट पर अगवानी के बाद पीएम मोदी का काफिला जब रोड शो की शक्ल में नया रायपुर की ओर निकला तो तपती धूप में भी एक झलक की होड़ लग गई। पीएम लोगों से मिलते हाथ मिलाते आगे बढ़ते गए। काफिला बढ़ता गया। नया रायपुर के देश का पहला ग्रीन सिटी बनने पर सीएम रमन सिंह को शाबाशी दी। बच्चों से मिले। उड़ान योजना के तहत रायपुर जगदलपुर हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई और फिर भिलाई जा पहुंचे। भिलाई स्टील प्लांट के भीतर अब तक सिर्फ एक पीएम पंडित नेहरू गए थे। अब पीएम मोदी भी इसमें शुमार हो गए। 18,000 करोड़ की लागत वाले बीएसपी यूनिट का उद्घाटन किया जिससे बीएसपी का उत्पादन 3,500 मिलियन टन से बढ़कर 7,500 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है। भिलाई छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब माना जाता है। पीएम मोदी ने आईआईटी का शिलान्यास कर इसे नई उड़ान दी। भिलाई की जनसभा में पीएम मोदी ने विकास योजनाओं को गिनाया, उपलब्धियां बताई और कहा कि पहले की सरकारें जहां सड़कें बनाने से भी बचती थीं, अब वहां सड़कों के साथ हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। यहां के स्टील सेक्टर, लौह अयस्क के खनन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर आपका और विशेषकर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को कुल मिलाकर 22,000 करोड़ की सौगात दी। खबर तो समझिए, पीएम 14 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ में थे, आज 14 जून है और नक्सलवाद से बस्तर की पहचान को अब विकास की पहचान से बदलने की बात कही है। तो छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 और 11 जून को अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर ही थे। बस्तर सरगुजा की 26 सीटों में से सिर्फ 11 बीजेपी के पास है। अब रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी यहां चौथी बार सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है लेकिन जहां चुनाव होते हैं वहां पीएम मोदी पहुंच जाते हैं और ट्रेंड बताते हैं कि फिर मोदी मैजिक ही चलता है।